राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र जगदूत न्यूज ब्यूरो मोहम्मद नबी आलम, संपादक अरुण वर्मा, जगदूत 95वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किए गए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बेगूसराय। रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 95वें जन्मदिवस पर बुधवार को उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस मौके पर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने जहां उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी, वहीं भाजपा नगर मंडल द्वारा सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया, जबकि नगर मंडल द्वारा गांधी स्टेडियम में अटल कप क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर अटल जी को नमन करते हुए कहा कि अटल जी की ये पंक्तियां हिंदुस्तान को विश्व गुरुवार बनाएगी। गगन में लहराता ये भगवा हमारा विरोध के सागर में चट्टान है, हम तब न झुके तो अब क्या रुकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम आदरणीय अटल जी को जन्मदिन पर सादर नमन। वहीं सदर अस्पताल के सभी वार्डों में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रुपेश गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे बल्कि संसदीय राजनीति के पुरोधा भी थे, जिन्होंने हिंदी और हिंदुस्तान का डंका दुनिया भर में बजाया। आज भी संसद में संवादहीनता का होने पर, सांस्कृतिक वैमनस्यता होने पर अटल जी याद आते हैं। उन्होंने संपूर्ण देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को हमेशा सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करते रहे। मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा क्रीड़ा मंच के प्रदेश संयोजक कुंदन कुमार, भाजपा के जिला महामंत्री कृष्ण मोहन पप्पू, भाजमो के प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय कुमार वीरेश, क्रीड़ा मंच के जिला संयोजक सुमित सनी, वनवासी कल्याण आश्रम के महासचिव संदीप अग्रवाल, भाजमो जिला अध्यक्ष कुणाल कुमार, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अनिता राय, वरिष्ठ नेता ललन सिंह, कुंदन भारती, विपिन कुमार सिंह, अनिल भारती, कमल नयन समेत भाजपा एवं भाजमो के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष रुपेश कुमार के नेतृत्व में हम तमाम भाजपा के कार्यकर्ता यहां पे आके गरीबों के बीच फल वितरण का कार्यक्रम किए हैं और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने एक खेल का भी आयोजन रखा है और वहां पे भाजपा नगर मंडल एक अटल कप का आयोजन किया है जो गांधी स्टेडियम में कुछ ही देरों के बाद शुरू होने जा रहा है। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस और उन्हीं उसी के उपलक्ष्य में आज रुपेश जो कि हमारे नए मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा बेगूसराय नगर के, उनके नेतृत्व में आज इस अस्पताल में सभी मरीजों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और अटल जी का दिया हुआ संस्कार है कि हम लोग जन्मदिन केक काट के नहीं मनाते हैं, हम लोग जन्मदिन जो है गरीब गुरबों के बीच में जाके अपने अपने तरीके से मनाते हैं और उसी के करीब में आज यहाँ आपने देखा कि हम लोगों ने हर वार्ड में जाके मरीजों को फल वितरण किया और हम सभी कार्यकर्ता बेगूसराय के भगवान से प्रार्थना भी किया कि सारे मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर